कंफ्यूज हो कि मैं ग्रीस में हूँ या गोवा में, और ये थीम रिसोर्ट जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, और मैं बेट लगाकर कहती हूँ कि आपको ऐसा थीम बेस्ड रिसोर्ट बागा में इस बजट में इस प्राइस में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए एक थीम रिसोर्ट आ रही हूँ बागा कलंगुट में, जो कि यहाँ से इस रिसोर्ट से बागा कलंगुट जो है बस 5 मिनट के डिस्टेंस पर ही है। बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको 10 टाइप्स के रूम मिलने वाले हैं, जिसमें से ये सारे के सारे आपको पता ही है थीम बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको जो है ग्रीक स्टाइल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको पता ही है कि ग्रीक स्टाइल में आपको जो है वुडन फर्नीचर नहीं मिलता, यहाँ पर स्टोन वर्क किया जाता है। वैसा का वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपको अप्लाई करता हुआ मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है। और यहाँ से बस आप मतलब ना आप जो है क्राउड में हो, लेकिन फिर भी क्राउड से दूर आपको पीसफुल जो है यहाँ का एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ से आप बस 5 मिनट वॉकिंग पर जो है टिटोस लेन पर पहुँच जाते हो क्राउड के बीच, एंजॉय करने के लिए पार्टी करने के लिए। यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है टिटोस फैट फिश जो है वो काफ़ी पास में है, 1 किलोमीटर के दायरे में भी है। थंडरबर्ड, स्नो पार्क, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए, और इससे खूबसूरत है यहाँ का रिसोर्ट। यहाँ पर एज अ कपल आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। तो इस रिसोर्ट का जो नाम है वो है माकारियोस रिसोर्ट, और ये किक क्रीम का है। तो इसमें जो है आपको तो स्विमिंग पूल है, ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर सिटिंग्स अरेंजमेंट की गई है। सो यहाँ पर बेसिक सारी की सारी एमिनिटीज आपको जो है स्टाइलिश मिलने वाली है, और प्राइस सुन के तो जो है आप शॉक होने वाले हैं। तो इसी के लिए आप जो है आखिर तक इस वीडियो को जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इस प्रॉपर्टी को शो करना स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे कि आप जो है पटाख से अगर बागा में आ रहे होगे तो इस रिसोर्ट को बुक कर सकते हो। सो गाइस, आप जो है यहाँ से आते हो और ये रोड है मेन, और यहाँ से आप ये साइड पर जाते हो तो आपको बागा लगने वाला है। सो ये है हमारा रिसोर्ट माकारियोस, और ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। सो हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में, और यहाँ पर आप देख सकते हो जगह जगह पर बहुत ही ब्यूटीफुल जो है गजीबोस लगाए हुए हैं। ये है हमारा रिसोर्ट, शॉर्ट बर्ड स्वीट, बहुत ही खूबसूरत है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका स्विमिंग पूल एरिया, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स भी है। मैं यहाँ पे आपको जो है रिसेप्शन एरिया दिखाती हूँ। सो ये है रिसेप्शन एरिया, और यहाँ की जो सिटिंग्स है रॉक वाली आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया है। और ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पर आपका चेक इन होता है, चेकआउट भी यहाँ पर, और आपको जो है रेंट पर बाइक चाहिए होगी वो भी आपको यहाँ पर इजीली जो है वो मिल जाती है। सो ये है हमारा स्विमिंग पूल एरिया जहाँ पर जो है आप स्विमिंग कर सकते हो, किड्स भी जो है स्विमिंग कर सकते हैं, अडल्ट भी कर सकते हैं। और ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर 2 गजीबोज आपको जो है वे मिलने वाले हैं, बहुत बढ़िया वाला। और ये रहा हमारा रिसोर्ट, बहुत ही बढ़िया है ना, छोटे छोटे गजीबोज बनाए हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और आपको ये ग्रीक स्टाइल की जो बिल्डिंग है वो दिख ही रही होगी जहाँ पर आप जो है स्टे करने वाले हो, बहुत ही बेहतरीन है। स्विमिंग पूल की जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है, 10 रूम के लिए जो है परफेक्ट है। सो चलिए हमें आपको जो है अभी रूम्स दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये है सेल्फी पॉइंट, और ये हम लोग जो है जो रूम्स का जो एंट्रेंस है वो ये तरफ है। वाओ,
यहाँ पर आपके मील में जो है ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट ही नहीं है, स्मॉल बट स्वीट प्रॉपर्टी है। तो आपको जो है सुबह की चाय चाहिए हो, ब्रेकफास्ट या फिर लंच डिनर, आपको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर रेस्टोरेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जैसे आप बाहर की ओर जाते हो आपको अनगिनत जो है बागा में रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है फटाक से रूम टूर कर लेते हैं क्योंकि बहुत वंडरफुल रूम्स हैं। सो गाइस, मैं अभी आपको जो है कपल रूम दिखाने वाली हूँ। सो ये है कपल रूम। रूम के साइज तो देखो गाइस, बहुत ही बड़ी है। सो यहाँ पर आप कपल आ रहे हो या फिर आपके साथ किड, यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड भी है। सो यहाँ पर सोफा कम बेड है जहाँ पर एक्स्ट्रा कोई पर्सन आ रहा होगा तो वो भी सो सकता है। सो ये है हमारा बेड जहाँ पर आपको साइड टेबल दिया गया है, ब्यूटीफुल लैम्प, ग्रीस थीम, कलर जो है काफ़ी वाइब्रेंट है। एसी रूम है ये, आप देख सकते हो यहाँ पर केटल रखी गई है, वाटर बॉटल, सामने की तरफ जो है बड़ा सा जो है वार्डरोब एरिया है, टीवी है, हैंगर्स, लॉकर, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, ड्रेसिंग टेबल भी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है हमारी बालकनी जो कि दिखाने वाली हूँ। रूम की जो साइज है ना सच में बहुत बड़ी है और इस प्राइस में मैं नहीं सोचती कि आपको ऐसी बड़ी बड़ी साइज वाली और दो दो बालकनी वाली जो है रूम मिलेगी। सो ये है हमारी बालकनी नंबर वन। सो ये है एक एरिया, सिटिंग एरिया एक्चुअली दूसरे बालकनी में है, ये बस एवी दिया गया है, बहुत बढ़िया है लेकिन। और ये है एंट्रेंस, आप देख सकते हो। सो हम लोग जो है अभी देखते हैं हमारी बालकनी नंबर टू। सो वो है वहाँ पर, और यहाँ पर जो वॉशरूम कहाँ पर है आप वही सोच रहे होंगे कि यार रूम के अंदर एंटर कर लिया लेकिन वॉशरूम कहाँ पर है, तो वॉशरूम भी जो है वो बाहर के साइड पर है। सो ये कर्टन्स ओपन कर लिए, ये है हमारी बालकनी। सो देखा कितनी बड़ी है, जो बागा के रूम्स होते हैं उन साइज की तो सिर्फ आपको बालकनी ही मिल रही है। सो यहाँ पर आप बैठे बैठे जो है एंजॉय कर सकते हो, आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो क्या बेस्ट प्लेस है गाइस, आप सोच ही सकते हो। सो यहाँ पर आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और इसी के साथ साथ रूम की जो बालकनी की जो साइज है वो भी काफ़ी बड़ी है। सो जो हमारा वॉशरूम है वो है बाहर की साइड पर, और ये रहा हमारा वॉशरूम। सो ये है हमारा वॉशरूम, और वॉशरूम आप देख सकते हो ये भी थीम बेस्ड है। सामने की तरफ जो है वॉश बेसिंग एरिया, टॉवल्स, नैपकिन्स रखे गए हैं। उसके बाद ये है यहाँ का शॉवर एरिया। सो कितना बढ़िया है ना, कितनी ब्यूटीफुल विंडोज दी गई है यहाँ पर भी। सो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत बढ़िया रूम है, मुझे तो ना स्पेशली बहुत पसंद है। आप बीच साइड पर आ रहे हो और अगर आपको ऐसे थीम वाला रिजॉर्ट मिल जाए तो वाह क्या बात है। मैं भी आपको जो है रूम दिखा देती हूँ। सो ये है हमारी रूम, और यहाँ पर बाहर के साइड पर इसका वॉशरूम है, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल टाइप यहाँ पर दिया गया है, थीम तो आप देख ही रहे हो। चलो फर्स्ट वॉशरूम देख लेते हैं। सो ये है हमारा वॉशरूम एरिया, और ये है यहाँ का शॉवर एरिया। आप देख सकते हो शॉवर एरिया की जो सिटिंग है वो भी काफ़ी जो है यूनिक है। सो ये है हमारा शॉवर एरिया। उसके बाद हम लोग जो है अभी बेडरूम्स देखने वाले हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट बेड जहाँ पर जो है आपको किंग साइज बेड मिल रहा है, और यहाँ पर दो साइड टेबल्स भी है। यहाँ पर अटैच आपको जो है और एक बालकनी दी गई है, एसी रूम है, ब्यूटीफुल लैम्प्स, और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल, उसके साथ साथ एक वार्डरोब जहाँ पर जो है आप अपना लगेज रख सकते हो, और यहाँ पर जो है हैंगर्स भी दिए गए हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल और बड़ी सी रूम है, रूम की साइज भी जो है वो काफ़ी बड़ी है। सो इस बेड के जो सामने की तरफ जो है इन लोगों ने टीवी भी दिया है, अगर आपको टीवी देखना होगा तो। और यहाँ पर
जो सेकेंड हमारा बेड है उसके बीच में ना ये डोर है, मतलब आप डोर लगा कर जो आपको प्राइवेसी भी जो है वो मिल जाती है। सो ये है हमारा बेड नंबर टू और बहुत ही खूबसूरत सा सेम थीम से, और यहाँ पर बिसाइड टेबल दिया गया है, ब्यूटीफुल लैम्प, ये भी किंग साइज बेड है। और यहाँ पर अपनी बालकनी है, अगेन ये एसी रूम है। यहाँ पर एक छोटा सा वार्डरोब टाइप दिया गया है जहाँ पर आप अपना लगेज और जो है हैंगर से अपने क्लोथ जो है रख सकते हो। यहाँ पर टीवी है और ये है सोफा, लेकिन ये जो है ये सोफा कम बेड है, मतलब अगर आपके साथ और भी कोई लोग होंगे, किड्स होंगे, तो वो जो है यहाँ पर सो सकते हैं। इस सेटअप को ओपन करके जो बेड की सेटिंग करा के ना, आप यहाँ पर इजीली जो है दो जन आराम से सो सकते हैं, है ना बेस्ट। ये तो थीम है ना, ये सच में बहुत ही बढ़िया है। रूम्स काफ़ी स्पेशियस है, एसी रूम है, लाइटिंग तो बहुत माइंड ब्लोइंग है। मतलब सच में किसी रिजॉर्ट में गोवा में ना आने का आपको फीलिंग हो जाएगा, आपकी जो ट्रिप है वो और भी मेमोरेबल होने वाली है। बहुत ही बेस्ट है ये रूम। मैं अभी आपको यहाँ की जो बालकनी है वो दिखा देती हूँ। सो इसकी जो बालकनी है यहाँ पर जो है बहुत बड़ी है, तो इसमें आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट भी दी है, जिससे आप जो है बाहर का व्यू देखते देखते आप यहाँ पर बैठ सकते हो। और यकीन मानिए अगर आप बागा कलंगुट में आ रहे होगे, तो मैंने अब तक जो है गोवा में 60+ जो है रिजॉर्ट किए हैं, और इस बजट में इस बुटीक स्टाइल में जो रिजॉर्ट है ना वो आपको बहुत ही कम ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ इस वीडियो को जो है, ब्लॉग को जो है सेव करके रख लो, शेयर करके रखो, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आपको जो है बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला और कहीं पर भी। और मैं नीचे ऊपर जो है प्ले लिस्ट दे रही हूँ, जैसे अगर आपको गोवा के और भी ऑप्शन चाहिए होंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस रिसॉर्ट से जो है 500 मीटर पर ही जो है फैट फिश, यहाँ का पॉपुलर रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाके फूड खा सकते हो। उसके बाद अगर आपके साथ किड्स होंगे तो उसके लिए भी जो है थंडरवर्ड या फिर स्नो पार्क ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। और 3-4 स्टार जैसे जो है यहाँ का स्विमिंग पूल है, इतना क्लीन नीट प्रॉपर्टी की पूछो ही मत। उसके बाद आप जो है बागा बीच के ऊपर जा सकते हो, वहाँ पर वाटर एक्टिविटीज कर सकते हो, सनसेट इंजॉय कर सकते हो जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है। के बाद यहाँ पर इतने सारे कैफेज है, आप उसे विजिट कर सकते हो। उसके बाद गोवा को रात को जो है शैक्स होते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो, जो है लाइव म्यूजिक होता है, बहुत ही बढ़िया माहौल हो जाता है। उसके बाद गोवा के टिटोस क्लब को आप कैसे मिस करोगे, जो टिटोस लेन है वहाँ पर इतने सारे क्लब्स है जहाँ पर आप रात भर एंजॉय कर सकते हो। मतलब जो मेन चीज़ें हैं कलंगुट के भी, जो बहुत सारे कैफेज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बीच हो गए, ऐसे सारी की सारी जो जगह है ना आपको रिसोर्ट के काफ़ी पास में मिल रही है। तो सच में ये जो ऑप्शन है बहुत ही बेस्ट है। सो गाइज, मैं अभी आपको जो है यहाँ के प्राइजेस के बारे में बता दूँ। सो इसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है बस 2000 रुपीज़ से। सो यहाँ पर जो है आप 2000 रुपीज़ से लेकर जो है अलग अलग कैटेगरीज के रूम्स है, और इसकी प्राइजेस भी जो है वो अलग अलग हो जाती है। फर्स्ट हम लोग जो कपल रूम है वो जानेंगे। जो हम लोगों ने बड़ी बालकनी वाली जो रूम देखी थी उसकी जो प्राइस है वो है 2800 रुपीज़। सो जो हम लोगों ने फैमिली रूम देखी उसके जो चार्जेस है वो है 3800 रुपीज़। और जो एकदम बेसिक डिलक्स जो रूम है, जो सबसे कम बजट वाली, उसकी जो प्राइस है वो है 1800 रुपीज़। और इन सभी में जो है वो ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है। और मैंने आपको और एक जो कपल रूम की जो एक क्लिप दिखाई थी जिसे स्विमिंग पूल का व्यू था, उसकी प्राइस थी 2200 रुपीज़। सो बेस्ट है प्रॉपर्टी। इस प्राइस में आपको ग्रीक स्टाइल में जो है स्टे करने के लिए मिल रहा है, काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आपका कुछ भी सेलिब्रेशन करने का मूड हो या फिर आपका वेकेशन और भी बढ़िया बनाना हो, तो गोवा में ऐसे थीम रिसोर्ट में रुकने का जो मज़ा है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत